हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्बल। जब भी कश्मीरी क्यूज़ाइन की बात होती है तो जो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है दैट इज़ वाजवान। बहुत कम लोगों को पता है कि कश्मीरी पंडित का जो क्यूज़ाइन है दैट इज़ कॉल्ड उर्बल। वाजवान दो लफ्ज़ों का जो मेल है, वाजा मीन्स एक्चुअली कुक एंड वान मीन्स दुकान, सो दैट इज़ वाजवान। सेम वे वुर इज़ अ प्लेस जहाँ पे लार्ज स्केल में कुकिंग का जो पहले अर्दन अर्थ बनाया जाता था, जहाँ पे कुकिंग होती थी, उसको दान बोला जाता है। और जो बड़ा हर्थ होता है जहाँ पे लार्ज स्केल में फंक्शंस के लिए इस टाइप से कुकिंग की जाए, उसको वुर कहते थे। और बल मीन्स प्लेस, दैट इज हाउ द टर्म वुरबल हैज़ इवॉल्व्ड। तो इन दिस सीरीज वील ट्राई टू एक्सप्लोर जो कश्मीरी क्यूजिन है, तो उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कश्मीरी क्यूजिन्स में टमाटर और प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। हम दही ये ग्रेवी को थोड़ा सा थिक लाने के लिए सौंफ का पाउडर यूज़ करते हैं और दही का यूज़ किया जाता है फॉर द थिकनेस ऑफ द ग्रेवी। तो हम कश्मीरी क्यूजिन्स एंड प्लस हम अदर क्यूजिन्स को एक्सप्लोर करेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में, ताकि हम आप तक अच्छी अच्छी क्यूजिन्स कश्मीरी एज वेल एज नॉन कश्मीरीज, हम बाकी रीजन्स को भी इसी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।